ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स लग रहे हैं ये। जितने दिखने में ये ब्यूटीफुल दिख रहे हैं उससे कई ज़्यादा टेस्टी और एकदम मुंह में घुल जाने वाले हैं ये। फर्स्ट टाइम में इसे कोई भी इजीली बना सकता है, सिर्फ 3-4 चीज़ों से इसे बनाया गया है। तो चलिए फटाफट से इस चाय रेसिपी को बनाते हैं। वेलकम टू माई चैनल सुचिताज कुकिंग में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए सुचिताज कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट रेसिपी डालूं सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ जाए। तो इस सिंपल रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले नॉनस्टिक पैन में दूध ऐड कर दें। दूध को थोड़ा सा गर्म होने देना है। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं चीनी। इसमें मैं साल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने दूध में नमक नहीं ऐड किया है। अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हो बटर के बजाय तो इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, अब गैस की फ्लेम को लो कर दे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करना है हमें और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। जस्ट मैदे का डो फॉर्म होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही फटाफट से हो जाता है ये। इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गैस की फ्लेम जो है वो हमें लो ही रखनी है, तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसका डो बन रहा है तो अब तुरंत ही गैस को बंद कर देना है हमें और बस इसे एक बाउल में निकाल लेना है। अभी ये बहुत ही गर्म है, इसे अब हम गूंथ नहीं सकते, इसके लिए हम इसे थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं, उसके बाद इसे गूंथ लेते हैं। थोड़ा सा वार्म होने के बाद मैंने इसे जस्ट 5 मिनट गूंथा है। अब इसे ढक के साइड में रख देते हैं और चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे पतीले में मैंने चीनी डाल दी है। ये 2 कप चीनी है, इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। अब इसे उबलने दें, तब तक हम फ्लावर्स तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसे गूंथ ले और एक लोई तोड़ ले, नॉर्मल साइज की एक लोई तोड़ ले। अब इसको हम बेल लेते हैं, जैसे हम चपाती को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलना है। चाशनी के साथ ही मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि ये फ्लावर्स बहुत ही फटाफट से जल्दी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी इसे टाइम नहीं लगता। जस्ट इस तरीके से इसकी रोटी बेल ले। ये देखिए इतने साइज की मैंने रोटी बेली है, ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, मीडियम साइज़ की हमें बेलनी है। अब इस तरीके से कोई भी कटोरी ले ले या मसाले के डिब्बे में जो छोटे छोटे बाउल्स होते हैं उसका ही मैंने यूज़ किया है। तो इतनी साइज़ की हमें छोटी छोटी स्लाइसेस बना लेनी है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही ये मैंने 5 स्लाइसेस बनाई हैं, इसमें दो रोजेस तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्लाइसेस बन गई है। अब एक के ऊपर एक इस स्लाइस को रखना है। देखिए ऐसे ही थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के एक के ऊपर एक, तो इस तरीके से एक के ऊपर एक मैंने ये स्लाइसेस रख दी है। उसके बाद थोड़ा सा इसे किसी भी स्पून की मदद से प्रेस कर ले ऐसे और हल्के हाथों से इस तरीके से रोल करना है। जस्ट इसे हल्के हाथों से रोल करना है, इसमें हमारे 2 रोजेस बन जाते हैं। अब चाकू से कट कर ले और ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से ये रोजेस बन जाते हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, एकदम व्हाइट रोजेस के जैसे। तो सारे फ्लावर्स मैंने रेडी कर लिए हैं और चाशनी भी हमारी अब रेडी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल ऐसी चाशनी चाहिए, तार वाली चाशनी वगैरह कुछ नहीं करनी है हमें। जस्ट चाशनी जो है वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए बस। और अब रोजेस को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल जो है एकदम ज़्यादा हॉट नहीं चाहिए, मीडियम हॉट ही ऑयल हमें चाहिए। गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच ही रखना है, एकदम ज़्यादा हाई नहीं करनी है, नहीं तो फ्लावर जो है वो ऊपर से तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर थोड़े से कच्चे रहेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो के बीच में रखना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसका कलर आया है, एकदम फ्लेकी फ्लेकी बन गए और एक भी फ्लावर जो है वो टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं।
तो ये देखिए ये रोजेस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही खस्ता बनते हैं फ्राई करने के बाद, एकदम लाइट हो जाते हैं। आप अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं ये चाशनी वाले बना रही हूँ, इसके लिए मैं इसे चाशनी में डिप करने वाली हूँ। और जैसे ही निकाला हमने इसे, वैसे ही चाशनी में डालना है। चाशनी भी थोड़ी सी वार्म ही होनी चाहिए, एकदम ज़्यादा ठंडी चाशनी नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इसे चाशनी में डिप कर लेती हूँ। जस्ट चाशनी में हमें इसे 5 से 7 मिनट तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए कितने ऑसम दिख रहे हैं, एकदम ब्यूटीफुल फ्लावर्स की तरह ही। आप इसे बच्चों के बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं, या किसी भी ओकेजन पे, या कोई भी मेहमान आने वाले हो घर पे, तब भी आप इसे बनाइए, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और खाने के बाद ये मुंह में जाते ही घुल जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में इतनी टेस्टी और अच्छी रेसिपी आप ज़रूर बनाइए, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ये सिंपल सी और बहुत ही ब्यूटीफुल रेसिपी सभी को पता चल जाए। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।